जयकाराम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आई श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम पावन श्री चरण कमलों में अपना ध्यान जोड़ते हुए गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। दंडोत वंदना अनेकवार सर्वकला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हठ। अजवी तेरा आसरा ते कलवी तेरी आस घड़ी घड़ी मम आसरा छी रुतबा रोमास अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मार। मैं अपराधी जीव हूँ नखशिख भरा विकार अपनी दया से सतगुरु कीजे भव से पार। श्री मात पिता सतगुरु मेरे आस करूं किसकी मेरे गुरु बिन और न दूसरा शरण गहूं जिसकी। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करके सम्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सुंदर प्यारे स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करके अपना ध्यान श्री चरण कमलों के साथ जोड़ते हुए प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में धन्यवाद अदा करते हैं। अपने चरणों की
सेवा का जो सुअवसर प्रदान किया है, पहले भी यहाँ पर भगत जी के यहाँ सत्संग हुआ था, एक बार पुनः मौका मिला है सेवा का, तो बड़ी खुशी हुई, बड़े प्यार से उनका आग्रह है। और साथ ही जन कल्याण का एक महान उद्देश्य कि किसी तरीके से लोगों को, गुरुमुखों के दिल में सद्गुरु का प्रेम बस जाए, किस प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्ति मिले और किस प्रकार से ये जो लगातार दौड़ता हुआ मन है इसको शांत किया जाए, आज इन प्रश्नों के साथ हम इन सत्संग की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद अदा करते हैं भगत जी का जिन्होंने सेवा का अवसर प्रदान किया। इसी प्रकार आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम बना रहे, गुरु चरणों में हमारी हार्दिक प्रार्थना है। इस धरती पर हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं। आमतौर पे किसी इंसान को ये उद्देश्य जब तक गुरु की शरण ना मिले समझ में नहीं आता उद्देश्य क्या है। बहुत थोड़े लोग इस बात को ढंग से जानते हैं हमारा संसार में आने का उद्देश्य क्या है। केवल एक सिंगल वन लाइनर पर्पस तो नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें टेक केयर करनी होती हैं। पहली चीज, अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना। हम यहाँ पर अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आए हैं। एक चीज तो सबके साथ है, कर्म बंधनों से छुटकारा भी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कैसे इन बंधनों से छुटकारा मिले, क्योंकि तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में चार उपाय, चार पुरुषार्थ कहे गए हैं जो हमें प्राप्त होने चाहिए, जिनके आम भाषा में हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार बातें कहते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को हमारी जो धारणा है उन दोनों के साथ जोड़कर हम क्या कहते हैं, तो पहला जो उद्देश्य है इस धरती पर आने का वो है कर्म बंधनों की समाप्ति। दूसरा उद्देश्य इस धरती पर आने का यहाँ के नियम सीखना। जैसे यहाँ का एक मुख्य नियम ये कर्म का सिद्धांत, अन्य कुछ नियम है आकर्षण का सिद्धांत, प्रेम का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, समर्पण का सिद्धांत, ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जिसके बारे में बहुत लोग थोड़ा या कम जानते होंगे, लेकिन उसके बारे में विस्तार से भी बात नहीं करने वाले। लेकिन हम यहाँ पर ये सब सीखने के लिए आए हुए हैं, लर्निंग लेने के लिए आए हैं। डेफिनेटली संसार एक पाठशाला है और हम यहाँ पर कोई मजे लेने के लिए तो नहीं आए हैं, हम यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आए हैं। लेकिन आम संसार को ये पता नहीं चलता उद्देश्य है क्या। उन्हें लगता है कि किसी तरीके से पैसा कमा लो, परिवार बड़ा कर लो, घर एक नहीं तो दो चार बना लो, फैक्ट्रियां बढ़ा लो या ऐसे ही अपना बिजनेस बढ़ा लो। इसके अलावा उन्हें लक्ष्य समझ में नहीं आता। यहाँ कुछ चीजें याद दिलानी पड़ती हैं। जैसे जो तीसरा उद्देश्य है वो इस संसार की सेवा करना। जरा अपने मन में झांकते रहना, जब कहा जा रहा है तो अपने मन में झांक कर देखना भी है हम किस उद्देश्य की ओर कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, ये आपको हमें अपने आप को डिसाइड करना है, सोचना है, जानना है। राइट, तो पहला और तीसरा जो उद्देश्य है इसका म्यूट और जो हमारा इस संसार में आने का जो उद्देश्य है उसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपने आप को जानना। आप हम कितनी, आप थोड़े इसको थोड़ा साइड में रखिए, मेरा ध्यान बढ़ता है, मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आप थोड़ा साइड में बैठ जाएं, इजी रहेगा, सबको विजिबल हो। राइट, तो हम यहाँ पर जो आत्मा का ज्ञान पाने के लिए आए हैं, इस आत्मज्ञान के बारे में हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें बस एक ही बात बताई गई है कि हमें गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पानी है। हाँ बिल्कुल पानी है, ऐसी ही पानी है, साथ साथ अपने आप को जानना भी है। बात थोड़ी सी बड़ी है, प्यार से ध्यान से समझेंगे। जानने का ये कार्यक्रम कैसे होता है, क्या है अपने आप को जानना,
हम सारा जो प्रयास कर रहे हैं वो खुद को जानने का ही कर रहे हैं। हम इस संसार में जो भी कार्यवाही करते हैं, दूसरों की नजरों में हम कुछ बनने का प्रयास करते हैं। ये बात सबको समझ में आएगी, जरा कुछ बातें हैं, सहमति चाहिए होगी, कहीं डिसएग्री करें तो बात कहिएगा, पूछिएगा। हम खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं अपने बारे में चलते रहते हैं या अपने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में चलते रहते हैं। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सारा दिन हम सोचते रहते हैं, हमारा मन सोचता रहता है, मैंने उसे ये कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने सही किया ना, हाँ या ना। हमारे अंदर हम टटोलते रहते हैं, अपने आप को तोलते रहते हैं, करते हैं सभी, समझ में आ रहा है? तो मन के अंदर चार डिपार्टमेंट हैं, हमारे संतों के हिसाब से चार डिपार्टमेंट है। एक मन के अंदर डिपार्टमेंट, मन एक टोटल एंटिटी का नाम है, जिसमें एक जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम हम बोलते हैं कि ये मन, यानी बोलने वाला कंपोनेंट है, एक बोलना है, जो बोलता है, जो लगातार अंदर विचार चलते हैं, शब्द गूंजते हैं हमारे अंदर, वो बोलने वाला डिपार्टमेंट है। दूसरा है चित्त, जो चित्र बनाता है, फोटो क्रिएट करता है, समझ में आते हैं? कभी कभी शब्द नहीं होते लेकिन चित्र बन जाते हैं, तो वो चित्त डिपार्टमेंट है। इसी चित्त से चित्रगुप्त बना है, जो गुप्त रूप से हमारे भीतर कैमरे से फोटो खींचता रहता है। हम अच्छा सोचते हैं, बुरा विचार आते हैं, भाव आते हैं, जो हमारे अंदर फोटो बनती है वो गुप्त रूप से उसकी फोटो खींच ली जाती है, राइट। तीसरी जो चीज है वो है बुद्धि, जो ये डिसीजन लेती है कि क्या गलत और क्या ठीक। और चौथी चीज है अहंकार। ये चार चीजों से मिलकर बना है हमारे मन का डिपार्टमेंट। अगर हम इसको समझ लें तो जो पहला सवाल हम लेकर चले थे, इस भटके हुए मन को शांत कैसे किया जाए, तो आपको ये बात बड़े अच्छे से, ये रहस्य समझ में आ जाएगा, शांत करने की विधि क्या है, इसको शांत करने का तरीका। पहले इनमें से किसी एक चीज को आप शांत कर दीजिए तो ये मन शांत हो जाएगा, या तो बोलने वाले पार्ट को, या पिक्चर बनाने वाले पार्ट को, या बुद्धि को, और या अहंकार को, किसी एक को शांत कर दो, ये चारों शांत हो जाएंगे, क्योंकि सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसको अलग अलग ढंग से, अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग ढंग से इस पर काम करते हैं। पहली चीज, अगर मन को शांत करना है, विचारों को, बोलने वाले मन को शांत करना है, तो एक काम बहुत जरूरी है कि हमारी ऊर्जा जो है ना, मन के विचारों की ऊर्जा से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। हमारी ऊर्जा मन के विचारों की एक एनर्जी है, ठीक है। अगर मेरी ऊर्जा मन के विचारों की ऊर्जा से ज्यादा होगी तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब मेरी ऊर्जा बढ़ेगी कैसे? उसके लिए कुछ प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। आप अगर हमारा कभी भी लाइव सेशन या कभी भी अटेंड करते हो तो उसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज करवाते हैं। यस, सभी को क्लियर है? क्यों करवाई जाती है? उसका मन, जो मंतव्य है, उसका जो लक्ष्य है, वो इसी बोलने वाले कंपोनेंट को शांत कर देना। जैसे अभी आपके मन में विचार चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं विचार, अभी विचार चल रहे हैं, अभी दो मिनट के लिए अभी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मन अभी शांत हो जाएगा। कर लो जरा, बात प्रूफ को करवा दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, राइट, एक बार करके देखिए। तो सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग करेंगे। सभी को कहा जा रहा है, जो लोग जूम पे जुड़े हैं इन सबको भी निर्देश दिया जा रहा है, जरा ध्यान से सुने, यहाँ सभी कुछ लोग बैठे हैं, तो थोड़ी फास्ट ब्रीदिंग करें, या म्यूजिक का सिस्टम अभी नहीं किया जा सकता तो सब लोग ऐसे ही कर लेंगे अभी जितना अवेलेबिलिटी है। रिकॉर्डिंग है क्या? परफेक्ट, थोड़ा ढंग से लगाना, राइट, अच्छे से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे, करते जाएं इसे। क्यों करवाई जा रही है ये, क्या हो रहा है इससे, करते जाएं दो मिनट और, चार मिनट के लिए बस, तीन से चार मिनट आप एक्सरसाइज कर ले, मन के सारे विचार अभी शांत हो जाएंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। करिए जरा थोड़ी देर के लिए, थोड़े फास्ट करते जाएंगे, अगर आप कर सकते हैं तो एक सेकंड में एक बार अच्छे से, पेट पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे,
हो सके तो जब भी बैठे ध्यान पर तब खाना बिल्कुल पेट भारी ना हो, यानी खाना वाना थोड़ा पच चुका हो या खाली हो बिल्कुल, तो इस तरीके से। तो दूसरी चीज चेक करके देखें, दोनों नोस्टिल पे ऐसे हाथ रख के देखें क्या दोनों नोस्टिल बराबरी पे चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो जो बराबरी पर नहीं चल रहा मतलब जो ज्यादा चल रहा है उसको रोककर दूसरे वाले से श्वास लें। इसके लिए दूसरा तरीका है अनुलोम विलोम, एक तरीका यही है। मान लो आपका राइट ज्यादा चल रहा है तो राइट को थोड़ा रोक के लेफ्ट वाले से थोड़ा श्वास लिया। अगर ये ज्यादा चल रहा है तो इसको रोक के इससे सांस लिया। हमारे तो बराबर चल रहे हैं, अगर आपको कोई गड़बड़ है तो इसको ठीक करो, अभी कर लो बैलेंस। दो मिनट लगेंगे, अभी शांत हो जाएगा मन। दो मिनट के अंदर अपने मन की अपनी अवस्था देखो, करो करो करो, अभी इतनी जल्दी बैठ मत जाओ। हाँ करो, पूरी बात करो। दूसरा जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके बाद जो करेंगे अनुलोम विलोम में हम इस तरीके से अनुलोम विलोम करेंगे। श्वास को एक नाक से लिया और दूसरे से बाहर निकाला, और यहां से लिया और यहां से बाहर निकाला। इसे भी कर लिया करें बाय डिफॉल्ट, बस बहुत बेसिक सी चीज है। अंदर लिया, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, और यहां से इस वाले नाक से मतलब यहां से लिया तो यहां से, और यहां से लिया तो यहां से। करिए जरा, क्लियर हो जाएगा अभी, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम मन बना। थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। कर लीजिए अभी ये मन जो के जो विचार हैं, विकार हैं, जो फालतू बातें मन में चल रही थी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसके बाद आप कपालभाति थोड़ा सा कर सकते हैं, पेट को थोड़ा अंदर करके श्वास को बाहर फेंकना, और फिर भ्रामरी। अभी के लिए हम ये दो एक्सरसाइज भी अगर ठीक से करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। अभी देखिए मन की अवस्था पहले के मुकाबले में थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा और शांत हो जाएगा। और बाकी अपने मन को क्लियर कट निर्देश दीजिए कि मैं अभी और यहीं प्रेजेंट हूं, मेरे लिए इस समय इस घड़ी से इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर आपको इस घड़ी की इंपॉर्टेंस पता है तो बाकी सब चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। मन दूसरी चीजों को तब प्रायोरिटी देता है जब आप इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते। तो मन को अच्छे से समझाओ कि इस समय ये काम मेरे लिए सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी बात है। यस, ये मैं केवल सत्संग की ही बात नहीं कर रहा हूं, अन्य कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आप ऑफिस का कर रहे हैं तो ऑफिस के काम के अलावा कोई और काम जरूरी नहीं। यहां तक कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप ऑफिस के काम के साथ मन में नाम का जाप करते रहो, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं, बात को समझना। खिचड़ी नहीं पकानी, एक टाइम में पूर्ण एकाग्रता के साथ एक काम भी कर दिया, वो काम आपका पूजा हो जाएगा, वो काम सदगुरु को समर्पित हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? वी कैनॉट डू, हमारा जो माइंड मन जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। हमारी भाषा में मल्टीटास्किंग हम वर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ, एक ही काम के लिए बना हुआ है। उसको आदत डालें, एक टाइम में एक ही काम करें, एक टाइम में एक ही काम करें, बस अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। जब ये कोई और फालतू का विचार लाने की कोशिश करके बोलो अभी मुझे नहीं सोचना, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। हमने खुद ही इसे अलाउ कर रखा है कि जितना मर्जी बकवास सोचना सोच ले, तो ये अपने आप वही कर रहा है, एक नौकर है। ये सिंपल बात समझना है, तो हमारा सर्वेंट ही ना, हमारा ये टूल है। मेरा हाथ मेरी मर्जी से किसी के गाल पे थप्पड़ मार देगा क्या? मेरी मर्जी के बगैर तो नहीं करेगा ना, आप समझिए ना। मेरा मोबाइल मेरी मर्जी के बगैर किसी को फोन मिला देगा क्या? नहीं ना, मेरा एक टूल है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरा इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे आदेश से उसे काम करना चाहिए। मन भी मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। इज इट क्लियर? मालिक कौन? आत्मा, यानी मैं, आप, राइट? आप मालिक हैं, मन एक नौकर है, नौकर से नौकर का काम अच्छा लिया है, पर नौकर को मालिक बना के नहीं बैठ जाना। मन इतना महान है, मन ऐसा मन वैसा, मन को चढ़ाओ मत ज्यादा। मेरा मन मेरे काबू में नहीं आता, क्यों? गुलाम हो क्या? गुलाम हो क्या? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर ज्ञान और भक्ति दोनों की बात करूंगा, क्योंकि ये भाषा जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, ज्यादातर आप लोगों ने भक्ति वाले भाव में सुनी नहीं होगी। मालिक कौन? सदगुरु। हम हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन हमारी आत्मा भी वही है। मैं ये कह के चल रहा हूं कि जो भीतर आत्मा बैठी है, ये सदगुरु, ये आत्मा उसी का अंश है। यहां तक क्लियर है मामला? तो अभी हम, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आता, भक्त की भाषा में कहूं तो ये मान लीजिए कि आपके भीतर सदगुरु विराजमान है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं। अगर ये भाव मान सकते हो तो ये मान लो, हमें कोई समस्या नहीं। अगर आप ये मान सकते हो, समझ में आ रहा है?
तो जब भी कोई भी काम करें पूर्ण एकाग्रता के साथ, इस समय मेरे मन को इस चीज के अलावा कुछ और नहीं करना, जो भी मैं करूं पूर्ण एकाग्रता के साथ करूं, चाहे मैं टीवी देख रहा हूं, हालांकि देखने की जरूरत तो नहीं है, बट मान लो आप देख रहे हो, उस समय बाकी बकवास सुनने की जरूरत क्या है, नहीं ना। हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा पूरी चेतना जो है वो एक पॉइंट पर केंद्र होने की उसे आदत पड़ जाएगी। कोई भी काम करा पूर्ण एकाग्रता के साथ किया, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे आप बर्तन धोने जैसी ट्रिवियल से ट्रिवियल टास्क क्यों नहीं कर रहे, बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन ही धो रहे हैं शांति से, विचार शून्यता के साथ, वो कार्य आपका शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कार्य से ज्यादा कार्य के पीछे की जाने वाली जो मंशा है वो इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? तो ये एक बात हमने नई अच्छे से समझ ली, सीख ली कि मन को विचारों से रहित कैसे किया जाएगा। एक ये उपाय, ब्रीदिंग वाला उपाय। दूसरी जो बात है, कर्म बंधन कैसे कटे। कर्म बंधन एक बड़ा टास्क है। कर्म बंधन बनते कैसे हैं, मन कैसे कर्म करता है। अब ये कर्म बंधन के लिए मन से, विचारों से, और फिर भावनाओं से, और फिर एक्शन। तो पहले विचार पैदा होते हैं, विचारों के साथ साथ भाव पैदा होते हैं, राइट। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू किया, उस बंदे ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया मान लो, तो अगला मेरे अंदर क्या चीज पैदा होगी, मेरे अंदर गुस्सा आएगा उसके प्रति, या नफरत का भाव पैदा होगा, राइट। तो पहली चीज जो ट्रिगर की वो है विचार, दूसरी चीज जो आई वो है भाव, उससे जुड़ा हुआ भाव। विचार को अगर मैं वहीं का वहीं शांत कर देता तो भाव तक बात ना जाती। अगर ऐसा किया जा सके, कोशिश करना, वहीं रोक देना। अगर विचार ट्रिगर हुआ, विचार से भाव ट्रिगर होगा ही होगा, भाव से नेक्स्ट चीज क्या होगी, अगर वो भाव को आप बार बार महत्व दोगे तो वो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। बात समझ में आ रही है? वो एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। अभी तक उस बंदे के प्रति केवल गुस्सा था, अब एक्शन में क्या हुआ, अब जाके सीधे आप उसे ईंट तो मार नहीं दोगे, क्या होगा, आप किसी को उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, यार ये बंदा बड़ा धोखेबाज है, ये ऐसा वैसा वैसा। तो आपने एक एक्शन ले लिया, जब तक ये बात मन की मन में थी तब तक आपके ऊपर कोई पाप नहीं था, मुंह से निकली पाप चालू, ये पाप यहां से शुरू हो गया। जब आपने बोलना शुरू कर दिया किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, ये पाप बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एक मिनट रुकिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फिर एक्शन, फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट होना। अभी तक मैंने मुंह से बोला, हो सकता है कल मैं उसके प्रति उसको मारने दौड़ जाऊं, या उसके ऊपर चिल्ला दूं, या गुस्सा करूं, राइट, कुछ भी नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उसके ऊपर, जब मेरे बस में आएगा, उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे बस में आएगा शायद मैं भी धोखा करूं। तो मैं फिजिकल एक्शन पर उतर आया। शुरुआत कहां से हुई थी, एक विचार से, राइट। उसने धोखा किया, अगर मैं उसी समय इस एक्शन को किसी तरीके से समझ के साथ संभाल लेता और खत्म कर लेता, भाव तक ना पहुंचने देता, तो पहला स्टेप तो वहीं से बाहर हो जाता मामला, ठीक है, समझ में आया। भाई उसने मेरे साथ धोखा किया, उस धोखे मैंने धोखा खाया, उसमें क्या मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा भी कसूर रहा होगा, मैंने उसे अलाउ ही क्यों किया धोखा खाने का, चलो मान लो मेरा कसूर भी था या नहीं था, 1% हो सकता है मेरा कोई कसूर ना हो रहा हो, हो सकता है ये मेरा कार्मिक रहा हो, मान लो मैंने पिछले जीवन में किसी ने धोखा दिया हो, क्योंकि जीवन में कोई भी घटना बिना बिना किसी रेफरेंस के हो ही नहीं सकती, अचानक कुछ नहीं हो रहा है यहां पर, जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है? कारण तो है। पीछे एक छोटी सी वैसी बता रहा हूं, बाइक मेरी जो है, स्कूटी जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटी ली हुई थी दिल्ली में, स्कूटी नीचे से गायब हो गई, कुछ 25,000 की थी, मतलब जब ली थी तो 40 के आसपास थी, लेकिन करते करते 25 की रह गई होगी, अब वो गायब हुई तो थोड़ा समझ में आया भी सिर्फ ये कैसे गायब हो गई, हालांकि सारे सिक्योरिटी कैमरा में सब लगे हुए थे। तो इससे पहले कि मेरा मन कुछ और सोचता, मैंने गुरु चरणों में जाकर दंडवत करी, मन ही मन, गुरु महाराज जी स्कूटी गायब हो गई है, अब सेवक के पास क्या है, एक आम इंसान के पास अप्रोच करने के लिए क्या है, वो क्या करेगा, इधर पूछेगा उधर पूछेगा, फाइनली पुलिस ये वो सब करेगा, नौटंकी जो भी वो करेगा, ठीक है उसकी अपनी जगह पर। सेवक के पास पहला रेफरेंस उसके सदगुरु है, परमात्मा है, वहां से बात शुरू होती है, प्रभु स्कूटी गायब हो गई है,
प्रार्थना करी, थोड़ी देर भजन में बैठा, आदेश हुआ कि भजन में बैठो, थोड़ी देर सिमरन में बैठे, तो गुरुदेव ने दिखाया कि तुम्हारे अपने कर्म हैं, कुछ ऐसी हरकत की हुई है, किसी के साथ कोई चीटिंग हो गई थी, अब जाने हुए अनजाने में पैसा किसी से लिया, कुछ पैसा लिया, भूल गए, लौटाना भूल गए, नहीं याद तो नहीं याद, बचपन की कोई बात थी, इसी जीवन की बात थी वो। गुरुदेव ने कहा कि इसी जीवन की बात थी, भूल गए वो, बताओ, भूल गए तो भूल गए, क्या करें, ले गया वो अपना हिस्सा, ले गया जिसको चाहिए था वो ले गया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कान पकड़ेंगे, माफी मांगेंगे और क्या करेंगे, गलती किसकी, मेरी गलती किसकी, हमारी, सीज एज सिंपल एज दैट। पता नहीं जाने में हुई हो या अनजाने में हुई हो, चिल्लाऊं किसी पर, क्यों क्यों चिल्लाऊं, हालांकि किसी और इंसान की होती तो क्या करता, दुनिया भर करो क्या बकवास, ऐसा वैसा फलाना ये सब, पता नहीं कैसे लोग चोरी हो जाते, हालांकि वो इतनी हाई सोसाइटी है कि वहां पर इतनी सेफ्टी, इतने कैमराज और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, उसके बावजूद भी तो हम क्या करते, दोष देना शुरू करते, कल्प्रिट ढूंढते कि मैं किसको दोष दूं कि मेरी इस समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है। एक आम इंसान यही सोचता, राइट। गुरुमुख के ऊपर गुरु का वास है, गुरु की कृपा है, वो पहली चीज जो उसके मन में पैदा होती है वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है कि मेरे ऊपर ये समस्या आई है। ये बात समझ में आती है, बस यहां से सारा ट्रेंड चेंज होना शुरू होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी का होना जीवन में कितना जरूरी है, सदगुरु का होना कितनी बड़ी बात है। विचार का कांटा बदल दिया, वैसे पहली रेफरेंस पे ही बात अटका दी, पहली रेफरेंस पे आपके दिमाग को चेंज कर दिया, मन ने जैसे सोचना शुरू किया विचारों को सीधा कि मेरी इस गलती के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन, मेरे साथ एक हुआ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, नुकसान हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल, तो पहली बात रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं, मैं स्वयं। इज दैट क्लियर। तो कर्मों की हर रेफरेंस में आप ये जान के चलना, इस प्रकृति में ना कोई कभी किसी को दुख दे सकता और ना कोई किसी को सुख दे सकता। कोई ना कहू दुख सुख कर दाता, कोई ना कहू दुख सुख कर दाता। तो अपने ही कर्मों के कारण हम सुख भोग रहे हैं, अपने ही कर्मों के कारण हम दुख भोग रहे हैं। एक बार आपके मन में यह स्वीकार भाव आ जाए तो आप किसी के लिए किसी और को दोषी मान ही नहीं सकते। राइट, समझ में आया। जब अपनी गलती समझ में आई तो अब कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए प्रयास भी करोगे। तो पहला प्रयास क्या होगा, मैंने क्या किया उस समय, गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया, 11 बार कान पकड़े, माफी मांगी, प्रभु मेरी गलतियां क्षमा करो, स्कूटी भी मेरी चोरी हुई है, माफी भी मैं ही मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि सदगुरु की कृपा है, ब्लेसिंग है, आधार है, गुरु कृपा का आधार है। गुरु ने यही ज्ञान दिया, समझ दी, गलतियां तुम्हारे अंदर है, दोषी अगर कोई है तो तुम स्वयं हो। यहां तक बात क्लियर है? तो गुरु जो है, ये सीक्रेट हम सबको अपने भीतर एक बार अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना को इसी प्रकार जरा एक बार साक्षी मानकर, अपने आप को सदगुरु को साक्षी मानते हुए जरा मन में विचार करें, आज तक मैंने जितने भी दुख पाए हैं मेरे कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे, आया ना, जरूर रहे होंगे, स्वीकार हैं। इसी से ही आती है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जीवन में तकलीफें हैं, हजारों तकलीफें हैं शरीर के अंदर, फिर भी स्वीकार है। हजारों शरीर तकलीफें हैं, हर चैलेंज स्वीकार किया, किस भरोसे पे स्वीकार किया, क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु ने समझ दी है कि गलतियां मेरी होंगी। रिश्तों में समस्या, पैसे की समस्या, फायदा या नुकसान, रिश्तों की समस्या, कोई रिश्ता तकलीफ देता है, दोष किसका, पक्की बात, हर रिश्ते में है ऐसा, जो रिश्ता तकलीफ देता है, मन मानता है कि मेरा ही दोष रहा होगा, या उसने ऐसा किया तो किया कैसे, ये सोचता है, अभी तक तो ऐसा सोचता है, बहुत बार सोचता भी होगा, बहुत बार फिर हम अपने मन को समझाते हैं, शायद मेरा ही कोई कर्म है। ये याद रखिए, आपके जीवन में कोई व्यक्ति तब तक रहेगा जब तक आपके उसके साथ कार्मिक लेन देन रहेगा, कार्मिक लेन देन के समाप्त होते ही वो आपके जीवन से गायब हो जाएगा, हर एक के साथ ये तय है। हमने एक एक व्यक्ति का, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, देखते हैं
तो इतनी इतनी चीजें सामने आती हैं कि कोई व्यक्ति आज आपको जो तकलीफ दे रहा है बिल्कुल डिट्टो। उस दिन किसी लड़की की हम बात कर रहे थे, उस लड़की ने आकर हमें कहा कि वो अच्छी खासी मतलब डॉक्टर है, डॉक्टरेट उसने MBBS किया हुआ है, एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में अच्छे लेवल पर लगी हुई है, काम करती है। लेकिन उसने कहा कि भैया मेरी सास जो है ना बड़ा तकलीफ देती है, बहुत पेन देती है, बातें करती है तो बात बात में गालियां देती है, सुनाती है। कहा तो मेरा इतना अच्छा लेवल, भाई MBBS किया हुआ तो बच्ची काफी स्मार्ट है, समझदार है, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इस रिश्ते में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और वो कुछ खास गालियां बोलती थी, भाई कर्म जली सोर्स सो कौन, सॉरी मुझे बद शब्द बोलने पड़ रहे हैं, काइंड ऑफ उसने कुछ शब्द बताए। अच्छा, हमने उसका पास्ट जाके देखा, हमने देखा कि आखिर क्या घटना घटी थी, कौन है ये, क्यों गालियां दे रही है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। तो हमें ये समझ में आया जब हमने उनका पास्ट देखा, सास है जो वो दे रही है, उनका जो हस्बैंड है, ये लेडी अपने हस्बैंड को बहुत पसंद करती है, लेकिन जो सास है वो हस्बैंड को मतलब अपने बेटे को भड़का देती है इसके अगेंस्ट, और वो इसके ऊपर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, कुछ भी करता है, अंततः इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अब ये कह रही है कि मैं बिल्कुल टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ, और ये सब दोनों मिलके मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। पास्ट जब हमने देखा तो पता चला कि ये जो लड़की आज है, जो बहू है, ये पिछले जीवन में एक सामान्य लेडी थी, अच्छी खासी रिच थी, पैसा था इसके पास। तो वो जो सास है आज, वो घर की नौकरानी हुआ करती थी, वो घर की नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन वो नौकरानी भी ऐसी नहीं बनी, उसने मतलब जैसा था कि उसके पास भी कभी बहुत पैसा था, लेकिन कुदरत ने ऐसा कुछ पटका दिया कि वो सब पैसा वैसा छिन गया, अंत में ऐसी नौबत आ गई कि दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़े, सफाई करनी पड़ी, ऐसा समय बदल गया। जब वो बदला तो ये जो है इस बात का उसे ताना दिया करती थी नौकरानी को अपनी, अब घर में बैठी हुई लेडी वेली कुछ काम हो रहा है नहीं, उसको आके वो सेवा कर रही है, इसके पास पैसा है और पैसा बोलता है, चिल्लाता है, अपने जैसा उसमें कर्म जली, ऐसे काम कर वैसे काम कर। मैंने जो वर्ड यूज किया ना, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग, उसको हमने पास्ट लाइफ में जाकर देखा, सेम वर्डिंग, हमने और भी दो चार शब्द उसे बताए कि उसने ये वाली गाली देती थी तुम्हें, उसने कहा कि ये सच है, आज भी वो गालियां मुझे मेरे को बिल्कुल सेम गाली वो देती है जो मैं उसे दिया करती थी, वर्ड टू वर्ड उसके दिमाग में वो चीजें फीड पड़ी हुई है। आप सोचिए उसके दिल पर उस समय क्या बीतती होगी, घर की नौकरानी जो कभी बहुत रिच हुआ करती थी, किसी कारण से वो यहां पर, किसी कारण से उसके घर पे उसे नौकरी करनी पड़ी, मजबूरी में पता नहीं इंसान क्या करता है। अच्छा, एक और बात इसमें कि अभी इनका रिश्ता ही कैसे बना, तो ये जो नौकरानी थी इसके, इनका जो ये पति है, इनका पिछले जीवन में बेटा हुआ करता था, ये जो आज पति है ये पिछले जीवन में इस लेडी का बेटा था, और वो जो नौकरानी थी वो इस बच्चे को प्यार करती थी एज ए मदर, उसको एक भाव था उसके मन में, मदर का भाव, प्रकृति ने बिल्कुल वही खेल कर दिया, इस जीवन में वो मां बन गई और ये जो बेटा था ये पति बन गया, प्रकृति है क्या, किसी को आप थोड़ी पूछोगे। आपको हर रिश्ता आज जो भी हमारे साथ में है वो बिल्कुल वैसे हूबहू, कहीं ना कहीं इनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सोल फैमिली। सोल फैमिली मतलब जो आपके आसपास में आज जो रिश्तेदार है ना, यही रिश्तेदार अगले जीवन में कहीं ना कहीं घूम फिर के आएंगे, अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि मन मन है जिसके साथ वो रहेगा, कहेगा ये मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरा बहन या मेरा बेटा या बेटी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं इनके साथ साथ बना रहे। परमात्मा सारी प्रकृति आपके इन्हीं विचारों का रिफ्लेक्शन है, आपने जो विचार मन में डाले आपने फ्यूचर क्रिएट कर दिया। परमात्मा ने कहा तथास्तु, तुमने यही परिवार मांगा तुम्हें यही मिल जाएगा। अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकृति का खेल चला रहा है। हमें समझना है कि हर पल जैसे हम अपने मन में कोई विचार उठा रहे हैं वास्तव में हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, आप जो जो मन में भाव उठा रहे हैं, काश ऐसा हो जाए। आपने आज किसी को अमरीका जाते हुए किसी के मन में, मैं बात बता रहा हूं एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, मन में आया किसी को देखे ये तो वैसे लुधियाना मतलब पंजाब, तो ये हर तीसरा इंसान जो है ना अमरीका और कनाडा और यूके की इनकी लगी रहती है, राइट? ऐसा ही है यहाँ पर, सबको शौक है बाहर जाने का, वही सब। अच्छा, जब आप शौक पैदा करते हो, अपने इच्छा पैदा करते हो, मैंने एंजल से पूछा, अपने गुरुदेव से पूछा
कि क्या सच में इनके भाव पूरे होते हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं हमारे को, तो लोग वो विश डालने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा क्या विश डाली जी, मैं तो अमरीका जाना, मैं तो अमरीका जाना, तो तू जाना, उन्होंने मन में भाव डाला हुआ है। मैं पूछता हूँ कि क्या परमात्मा सच में इनकी विश पूरी करेगा, वहां से आंसर आता है डेफिनेटली यस। हो सकता है इस जीवन में ना हो सकता है इस जीवन में ऐसा नहीं चांस बना, लेकिन इसने जो भी मन में भाव उठाया प्रकृति, वो भाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जीवन में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, पूरा जरूर करेगी। तो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, कर्म बंधन कहां से बन रहे हैं? आपके द्वारा उठाए हुए संकल्पों से कर्म बंधन क्रिएट हो रहे हैं। आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। अब आपने अमरीका जाना तय कर दिया कि अगली बार हो सकता है आपका जन्म अमरीका में हो, या अमेरिका जाओ और फिर यहाँ पे इंडिया से कई लोगों से कनेक्शन बना रहे, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और आते बचपन में या कैसे भी करके जल्दी से जल्दी तुम्हारा वहां जाना हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा हो जाएगा तो क्या निकाल लिया आपने, सो व्हाट, पहुंच गए अमेरिका, सो क्या हो गया, हो क्या गया, मतलब कौन सी बड़ी बात है? पर नहीं, लोग मानते कहां हैं, आप किसी से पूछ के देख लो जिनके दिल में लगन लगी हुई है, उनके दिल से पूछ के, भाई मेरे को तो इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या मन में उनके चल रहा होता है, है ना, पागल बना। आपने देखा होगा लोगों के अंदर कितना उसके ऊपर 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा के खेत बेच के उसको दे दिया, एजेंट को पैसा दिया, हमने सब पता लगता है, कहानी क्यों नहीं पता जल्दी। तो सारा हो क्या रहा है, आप जो डिजायर पैदा कर रहे हो वो पूरी हो रही है। किसी भी चीज को देख के आपके मन में क्या डिजायर आ जाए, आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके मन में क्या डिजायर किस तरह की पैदा हो जाए। क्या जो भी मन की डिजायर पैदा होगी वो बिल्कुल वैसी ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो पूरी होनी होनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मन से संकल्प गलती से मत उठाना। अगर कोई भी आपने विचार उठाया, आज तो हम कैंसिल कर सकते हैं, आज तो हमारे पास है समय, हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कल ऐसा, वो जब एक बार बीज पक गया फिर उसके बाद कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है। इस जीवन में तो संभावना है कि हम कुछ कैंसिल करना चाहें, अभी मैंने कोई संकल्प गलत उठा दिया हो। अब आप जरा अपने मन पर टटोल के देख लें, कोई ऐसे मन में विचार तो नहीं डाले हुए, कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति, कोई भी चीजों के प्रति हमने विचार डाले हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो होना ही होना है, वो हम पाने ही वाले हैं, जो हमने मांगा, हमने जाने में मांगा या अनजाने में मांगा। कभी कभी किसी को प्रॉमिस कर देते हैं वैसे ही, तेरे साथ जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, कह देते हैं लोग, माफी चाहता हूं किसी के, लेकिन अंदर अंदर गहराइयों में नहीं जाना चाहता, वरना पता तो सब लगता है कि कौन मन में क्या सोचता है। लेकिन जब आप सोच देते हो ये वाली बात कि तेरे साथ जन्म जन्म साथ निभाऊंगा, आपने एक संकल्प मन में डाल दिया, ये पूरा होगा आज नहीं तो कल होगा। अब आप मुक्त होने वाले हो, लेकिन आपने किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि तेरे साथ जन्म जन्म साथ निभाऊं, वो मुक्त नहीं होने वाली या वाला, उसकी मुक्ति, उसके मुक्ति की इच्छा नहीं, आप बंध गए उसके साथ, आप बंध गए, बार बार उसके साथ आना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी पति पत्नी में आपने एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा, पति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है पत्नी नहीं मानती, या पत्नी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है पति नहीं मानता, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है? ये इसी जन्म जन्म के साथ की वजह से आता है। बात समझ में आती है? क्योंकि आपने कभी संकल्प डाल लिया कि मैं तो तेरे साथ जन्म जन्म निभाऊंगा, अब आपने संकल्प डाल, बंध गए आप, बंध गए आप। अब जैसे भी करोगे अब आपको निभानी है इसके साथ। अब आप कहते हो हे प्रभु ये पत्नी मानती क्यों नहीं, या ये पति मानता क्यों नहीं, मानने का कहां से, वो अपनी लाइन है भाई, उसकी उसकी अपनी इच्छाएं हैं, आपकी अपनी इच्छाएं। अगर आपने ऐसा पैदा कर लिया मन में संकल्प, तो वो संकल्प पूरा होगा। इज दैट क्लियर? तो मन में क्या डालना और क्या ना डालना, अपने मन में कोई ऐसी फालतू की चीज ना डाली जाए जो आपके मन में, जो आज नहीं तो कल आपके लिए दर्द पैदा करे, दुख पैदा करे, नए जन्मों का बीज पैदा करे। ठीक है? तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसी मन ने संकल्प डाले, आज हम जो भी हैं इन्हीं संकल्पों के कारण हैं। अब हम पुरुष हैं तो पुरुष के मुख्य संकल्प भी आपने डाला, स्त्री हैं तो स्त्री का संकल्प भी आपने डाला होगा। आपने देखा कि कितने ही जन्मों में ये रिवर्स हो जाता है मामला, पति पत्नी बन जाता है, स्त्री पुरुष स्त्री बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाती है, पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। और इतना कॉमन भी कि कहां पर आपने जिस भाव से ना, मतलब आपने कहा कि मेरा प्रोफेशन, मैं इस जीवन में, मान लो किसी जीवन में वैद्य थे, मैं ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूं, प्रकृति ने कहा ठीक है, इस जीवन में वो फिर डॉक्टर बन गया,
वो उनका अपने प्रोफेशन है, चलता चला जा रहा है। हमने ऐसा भी देखा है, मतलब जो आर्किटेक्ट है तो वो आर्किटेक्ट ही चला रहा है, पिछले समय में कुछ ऐसा ही हुआ करते थे। कुछ ना कुछ जो आप भाव करते हो ना, वो सब प्रकृति वैसा ही वैसा आगे करके खड़ा कर देती है आपको। लेकिन सारी बातें अपनी तरफ मुक्त क्यों नहीं हुई अभी तक? फिर जीवन के इस रहस्य को समझा नहीं ना, तो बंध गए। जो भी हमने मन में भाव किया उससे हम बंधे पड़े हैं आज तक। अब देखो आज अपने जीवन में कौन कौन से बंधन हैं। क्या धन आपका बंधन है? जरा चेक करके देखो, अपने मन के अंदर देखो, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं। क्या धन बंधन है? मन में डिजायर है, अगर डिजायर है तो वो बंधन है। दूसरा, क्या रिश्ते बंधन है? कोई पर्टिकुलर रिश्ता जो बहुत तकलीफ देता है या बहुत फेवरेबल है, तो मन ये ना कह दे कि नहीं नहीं यही पुत्र चाहिए या यही माँ चाहिए या यही पत्नी चाहिए या यही पति चाहिए। आप ऐसा कोई गलत संकल्प तो नहीं डाल रहे? अगर डाल रहे तो पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आप बंध गए, फिर बंध गए, फिर आपको वो संकल्प उसको निभाना ही पड़ेगा। एक बार अभी तक वो कच्चा फल है, जब तक ये जीवन है वो फल कच्चा है। जैसे ही वो जीवन पूरा हुआ, अब वो पक गया, अब उसमें स्टैंप लग गई, अब आप इससे बाहर नहीं आ सकते। अब इसको आपको जीना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तो पहली चीज इसमें क्या होनी चाहिए? गुरु महाराज जी से, परमात्मा से, इष्ट से माफी मांगना। हे प्रभु, मेरे वो सारे संकल्प विकल्प जो मैंने गलती से उठाए, मैं सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यहां से होगी मुक्ति का रास्ता। तो पहली चीज समर्पण करना, प्रभु मैं अनजान हूं, मुझे नहीं पता मेरी कौन सी बात मुझे बंधन में डाल दे। या तो आप इतने ज्ञानी हो, इतने समझदार हो कि जो बंधन है वो आराम से समझ के साथ काट सको। नहीं हो तो समर्पण, तो समझदार हो, नहीं हो तो समर्पण भाव से, हे प्रभु मैं अपने समस्त भावों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, अपने हर रिश्ते को, अपने हर विचार को, अपने हर भाव को, अपने श्वास श्वास को समर्पित करता हूं। अब मेरे सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी ने एक ऐसा रास्ता निकाला इन सारे बंधनों से मुक्त करने का जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। क्या कहा उन्होंने? श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। उन्होंने श्वास के साथ एक शब्द जोड़ दिया, बड़ा कमाल का शब्द है वो कमाल का शब्द है। वो कर क्या रहा है वो शब्द? और जैसे जैसे आप जप रहे हो, वो शब्द आपके अंदर के संकल्पों विकल्पों को समाप्त करता जाता है। भाई एक मेरा मन फालतू के विचार सोचेगा या उस शब्द के बारे में सोचेगा, एक ही काम करेगा। हमारा मन मल्टीटास्किंग नहीं है, दो चीजें एक साथ कभी नहीं कर सकता, वो एक ही काम करेगा। भाई सोचेगा या फिर एक शब्द का चिंतन करेगा। मान लो वो शब्द शिवोहम है, एक उदाहरण से बता रहा हूं, शिवोहम है, राम है, कुछ भी है, राइट। अब राम राम, मन में राम राम आपको सोचना है। अब मन में या तो राम सोचोगे या कोई संसार की किसी बात का चिंतन करोगे, एक ही बात पकड़ोगे ना, दो बातें एक साथ थोड़ी चलेगी। कभी कभी हो सकता है दो चोरियों की थोड़ी खिचड़ी पके भी सही, कभी कभी मन विचार दो भी कर रहा होता है, ये भी कर रहा होता है, ये भी कर रहा होता है, ऐसा भी चल रहा होता है। लेकिन अंत में आप किसको ज्यादा महत्व दोगे, चीज वही सफल होने वाली है। तो अंत में हमने क्या मांगा? अगर मैं राम राम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो राम मुझे याद दिला रहा है। किसकी याद दिला रहा है? अपनी आत्मा की, अपने सदगुरु की, परमात्मा की। तो मैं बंधन मुक्त होता जा रहा हूं। मान लो मैंने आज कोई गलत संकल्प उठा भी दिया, मन में कोई इच्छा पैदा कर दी कि ये ऐसी गाड़ी होनी चाहिए या ऐसा घर होना चाहिए या ऐसा कोई भी चीज, मेरे मन में आज संकल्प पैदा हो गया। अच्छा, कल मैंने विचार किया कि ये संकल्प तो गलत हो गया, मन में भाव पैदा हो गया, इच्छा पैदा हो गई, तो मन को मैंने तुरंत पकड़ा और वहीं का वहीं उस चीज को काट दिया कि प्रभु मैं अपने उस भाव को आपको समर्पित करता हूं। जैसे मैंने समर्पण का भाव किया, ये वो भाव है जो सारे भावों से आपको मुक्त कर देता है। बात समझ में आ रही? श्री सद्गुरु देवाय समर्पयामी, हे प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। जैसे मैंने ये भाव किया, मेरे बाकी के बंधन सब कटने शुरू हो गए। श्वास श्वास में मैं परमात्मा का नाम जप रहा हूं। अब कर्म बंधन कैसा होगा? अब सोचिए, अब कर्म बंधन से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। यही तरीका जो गुरुदेव ने निकाला, वैसे पांच तरीके गुरुदेव ने बताए हैं, इन्हीं पांचों की मैं बात कर रहा हूं, जो पांच नियम है, लेकिन मैं अपने ढंग से बात करूंगा। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण, ध्यान, ये सभी आप जानते हैं, मैं अपने ढंग से बात करूंगा। जिसको गुरुदेव श्री आरती पूजा कह रहे हैं, जिसको श्री आरती पूजा कह रहे हैं, उसको हम प्रेम योग कह रहे हैं। परमात्मा से प्रेम करना, प्रेम करना, प्रेम भाव में आपके प्रेम भाव ही आगे समर्पण को जन्म देता है। जिसके प्रति प्रेम होगा, समर्पण भी घटित हो जाएगा। प्रेम योग समझ में आता है। दूसरा कर्म योग,
जब आपने सेवा की बात करी, तो सेवा में मैं जो भी कर रहा हूं, मैं किस भाव से कर रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रही है बात? भाव मतलब मैंने कोई भी काम किया, एक दुकान पे मैं जा रहा हूं अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए निकला, छोटी सी उदाहरण बात समझाने के लिए, मजदूर जो है कहीं पर काम कर रहे थे, एक व्यक्ति ने जाकर, कोई साधु जो है वहां से निकले तो किससे पूछ लिया मजदूर से, भाई क्या कर रहा है? गर्मी के दिन बिल्कुल पसीनो पसीना शरीर हुआ पड़ा, और जब उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है तो कहा कि देख नहीं रहे हो, पत्थर तोड़ रहा हूं। भाव है, पत्थर तोड़ रहा हूं, पसीना पसीना, और क्या इतनी गर्मी में, और मैं क्या करूं, मैं यहां पर पत्थर तोड़ रहा हूं। सेम काम, पत्थर एक और भी तोड़ रहा है, उससे जाके पूछा भाई क्या कर रहे हो, कहा कि बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा हूं। पत्थर वो भी तोड़ रहा है लेकिन भाव थोड़ा सा बदल गया, बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा हूं। अच्छा, ये पत्थर टूट के कहां लगने थे? किसी मंदिर में लगने थे। लास्ट में किसी और से पूछा भाई क्या कर रहे हो, कर तो वो भी वही रहा है लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता है मैं भगवान के मंदिर में थोड़ी सी अपनी सेवा भेंट कर रहा हूं। तीनों ने एक ही काम लेकिन भाव तीनों के अलग, रिजल्ट अलग। समझ में आया? रिजल्ट अंत में कौन सा स्वीकार होगा, जो तीसरा है वो सब सर्वोत्तम, दूसरा भी ठीक ठाक है, कम से कम पहले की तरह आप गुस्से में तो नहीं हो, दूसरा कम से कम आजीविका कमा रहा हूं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे भी उत्तम होता हो कि समर्पण भाव में कहता भगवान का मंदिर बना रहा हूं, भाव बदल गया, प्रेम हो गया। तो कार्य वही है लेकिन कार्य का इंटेंशन चेंज होते ही उसका रिजल्ट बदल गया। बात समझ में आई? तो यहां से शुरू होती है कर्म बंधन से मुक्ति की कहानी। जैसे ही आप कर्म बंधन को, जब आप भाव बदल देते हैं किसी भी कार्य के साथ होने वाला, आपका रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो इस तरीके से ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। हमने बंधन क्या किया, किस चीज ने बांधा था, मैंने संकल्प उठाए, मैंने इच्छाएं पैदा करी, इच्छाओं ने मुझे बांध दिया, इच्छाओं ने बांध दिया। आज तक जीवन में जो भी घटित हो रहा है मेरी अपनी ही इच्छाएं हैं जो पूर्ण हो रही हैं। यहां तक कि हमने दुख भी मांगा है तो अपनी ही हरकतों से मांगा है, मांगा होगा, आया ना, जीवन में दुख है, शारीरिक पीड़ाएं भी हैं, हमने मांगा होगा, जरूर मांगा होगा, हे परमात्मा भर भर के खाऊं, खूब खाऊं, खाओगे तो सही, रिजल्ट क्या होगा, ये जो तोंद निकलेगी 15 किलो बाहर, वो कौन निकलेगा, किसकी निकलेगी, वो आप ही की निकलेगी। ऑब्वियसली जो बंदा खाएगा, मैं खूब खाऊं, कोई काम करने को ना हो, तथा मिल गया तुम्हें वरदान, मिल गया, लेकिन करोगे क्या, दुखी होगे बैठ के, आपने क्या मांगा, छोटी सी छोटी मांग परमात्मा सुन रहा है, पूरी कर रहा है। तो जरा संकल्प ध्यान से उठाना, इस संकल्प को अगर मुझे बदलना पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा संकल्प उठाऊंगा जो मैं चाहता हूं कि वो पुराने संकल्प को कैंसिल भी कर दे और नया संकल्प को सही वाला उठाए, राइट? समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, अपने संकल्प को सही किया, वो जो गलत भाव थे, वो जो गलत सोच थी, उसको हमने खत्म किया और उसकी जगह पर एक सही सोच को डाला। अब मैं ये काम करूंगा तो किस भाव से करूंगा, और अगर उसमें मेरी कोई मांग अभी तक बन चुकी है, पुरानी मांगों को मैं ठीक करके क्लियर करूंगा और आगे से जो मांग उठाऊंगा वो ऐसी होगी जो बंधनों से मुक्त करने वाली होगी, तो मैं क्या करूंगा, परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे प्रार्थना करूंगा, समर्पण करूंगा, हे गुरुदेव मैं जो भी करूं, मैं चलूं फिरूं उठूं बैठूं खाऊं पीऊं जो भी करूं, आपके नाम का सुमिरन मेरे अंदर चलता रहे। हो सकता है मेरे से हजारों गलतियां होंगी लेकिन हर एक गलती में अगर मेरे भीतर सिमरन चल रहा है, अगर मेरे अंदर नाम का जाप चल रहा है, तो मेरी वो चीज आपको समर्पित हो गई। आपको इच्छा मन में छोटी मोटी पैदा हो भी गई हो, आपने देखा होगा भक्तों की अधिकतर इच्छाएं, मन में कुछ हुआ नहीं, कुछ मन में ऐसे ख्याल आ गया कि वो कोई रसगुल्ला खाना है या कोई ऐसी चीज, कोई भी खाने का ख्याल आया, अब पाएंगे कि वो कुछ जल्दी ही पूरी भी हो जाती है वो बात, आपने इच्छा मन में डाली नहीं और पूरी हुई नहीं। ये कैसे होता है चमत्कार, ये वही जो चमत्कार के बारे में मैंने अभी बोला ना, ये वैसे ही घटित होता है। आपने यहां संकल्प डाला और प्रकृति, क्योंकि आप उस समय की आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप नाम का जाप कर रहे हो, आगे पीछे थोड़ी देर पहले आपने नाम का जाप किया, तो वो जो आपका भाव पैदा हुआ वो सीधा यूनिवर्स को जाके समर्पित हो गया। आपने नाम का जाप किया और साथ में कोई मन में इच्छा सी पैदा हो गई, वो तुरंत पाओगे कि वो इच्छा जो है भगवान के चरणों में पहुंच गई और उसको पूरे होने का पूरा साधन बन गया।
तो वो संकल्प आज नहीं तो कल, अभी थोड़े देर में हो सकता है पूरा हो जाए वो। तो इस तरीके से आप पाओगे कि पूरी प्रकृति जो है आपका साथ देने लगती है, क्योंकि सदगुरु लगातार आपकी उन विचारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बच्चा किस कंडीशन में, इसने क्या मांग रखी है। गुरु महाराज जी से कुछ भी छुपा नहीं है, तो हमारे मन के हर संकल्प को पूरा करने का भाव उनका रहता है। पर बात यही है कि हम मांग क्या रखें। तो सबसे उत्तम जो तरीका है यहां पर वो है समर्पण का भाव, प्रेम का भाव अगर रख सकते हैं तो ये, अगर ये नहीं रख सकते तो फिर दूसरी चीज है वो है साक्षी भाव। साक्षी का मतलब होता है विटनेस, समझकर काम करना कि मैं करता नहीं हूं, करता जो है ये शरीर के द्वारा कुछ किया जा रहा है, मैं पीछे साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं। अगर आप इस ज्ञान भाव में आ सकते हैं तो ज्ञान हो जाए। कोई है यहां पर ज्ञान करने वाला या सब प्रेम वाले हैं? प्रेम वाले हैं कि मेरे भीतर परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा वाला भाव है। ज्ञान वाला भाव क्या है कि मैं साक्षी मात्र हूं, मैं करता नहीं हूं, ये शरीर करता है, करता है तो करता है, मैं इसको जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। यह बात समझ में आ रही है? इनमें से कोई एक रास्ता अपना लो, आपके हर कर्म जो है वो, हमारे कर्म बंधन समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आप किसी समस्या में अटके हैं, मान लो पिछले जीवन का कोई कर्म बंधन आ ही गया और भारी भरकम कर्म बंधन है, तो आप कोई भी ऐसा पुण्य कार्य है जो आपके द्वारा, गुरु महाराज जी से कहते हैं निष्काम सेवा करवाना, अब उस निष्काम सेवा के द्वारा वो बड़े बड़े बंधन काट देते हैं। निष्काम सेवा के द्वारा कोई छोटा सा काम, आपके आपके घर में कोई समस्या आने वाली है या आ चुकी है, धन की समस्या चल रही है, और वहां पर आप आश्रम में गए तो वहां पर कहा कि आप यहां पर 1100 रुपए इस सेवा के लिए आप पैसा दोगे, पहले पैसे की समस्या चल रही है और यहां इस बात के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ऐसा क्यों? वास्तव में उसी पैसे की समस्या आई क्यों है पहले समझ लीजिए। पैसे की समस्या के पीछे कारण यह है, कहीं ना कहीं आपने किया तो किसी का पैसा चुकाना है जो आपने चुकाया नहीं है, जो आपसे लिया जा रहा है किसी तरीके से। पैसे की समस्या आने का मतलब क्या है? जो था वो चला गया, तो या तो किसी का पैसा चुकाया जा रहा है आपके उस पैसे के थ्रू, या फिर जो जो कहीं से पैसा आना था वो पैसा आ नहीं पा रहा है। पैसे की समस्या क्यों आ रही है? कोई ना कारण तो रहा होगा। तो जो भी कारण रहा है, अब उसका समाधान क्या है? आपने कभी, हो सकता है आपके पास पैसा रहा हो लेकिन आप पैसे की कदर ना की हो, उस पैसे से किसी का भला ना किया हो, इस वक्त आप पैसे को तरसोगे, फिर जरूर तरसोगे। हर व्यक्ति की समझ लेना अच्छे से, पैसा था कदर नहीं थी, आज पैसा आपके पास नहीं होगा, आपको दिया नहीं जाएगा, रूल है सिंपल सा। तो अब उसने क्या करना चाहिए उसको, तो इस वक्त क्या करना चाहिए, उस धन का जिसकी चीज की कमी है वो बांटो, थोड़ी सी मात्रा में सही लेकिन बांटो। बात समझ में आ रही है? अन्न की कमी है, धन की कमी है, तो धन के रूप में बांटो, अन्न के रूप में थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा 1% आधा परसेंट, लेकिन निकालो ताकि परमात्मा आपको आदत डलवाए आपके हाथों से। कभी पैसा था कदर नहीं थी, आज आपके पास पैसा नहीं होगा, राइट? कभी रिश्ते थे कदर नहीं थी, आज आपके पास रिश्ते नहीं होंगे, रिश्तों की कदर नहीं थी, प्यार नहीं दिया किसी को तो प्यार की कमी होने वाली है, राइट? शरीर था लेकिन शरीर का ख्याल नहीं रखा, बीमारियां होने वाली है। कुछ तो था, कुछ तो आपने नियम तोड़े हैं, हमने तोड़े हैं, तब जाके गड़बड़ हुई है। अब गुरु महाराज क्या कर, जैसे ही आप कोई ऐसा काम करते हो, जैसे आपको सेवा में कहीं लगा दिया, अब आप लंगर चला रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, वहां पर लोगों के या तो बर्तन साफ कर रहे हो या कुछ भी करते हैं, सभी सेवा अपने अपने लेवल पर करते हैं, किसी ना किसी लेवल पर सेवा तो करते होंगे कहीं ना कहीं। जहां संभव हो सके शारीरिक सेवा मैंडेटरी है, मैंडेटरी है सबके लिए, सेवा किसी ना किसी रूप में जरूर कीजिए, तन से, धन से, मन से, विचारों से, भावों से, सब तरह से सेवा, तन से सेवा, किसी भी जगह पर चले जाइए। अगर नहीं होता, हमने कितने ही लोगों को देखा है, कितने ही लोगों को हमने ये सजेशन दिया है, पीछे ये जलंधर की कुटिया की बात थी, बीना भाई जी की कुटिया है वहां पर, तो वहां पर वो एक लड़की का बता रहे थे, उसको कोई लेडी को वो मणका, ये जो कमर में होते हैं ना, ये उसमें कोई मणका हिला हुआ डिस्क जो है वो इधर उधर कुछ वो मणका हिला हुआ था कुछ, तो ये है कोई 4-5 साल पुरानी घटना, तो उसमें भाई जी के चरणों में विनती करी, उसमें भाई जी ने उसको कहा भी ठीक ठाक है, उसने कहा कि नहीं मेरी कमर में बहुत तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा वो मणका फलाना फलाना हिल गया है। अच्छा, हिल गया तो फिर क्या? तो वो इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, अब कई महीने हो गए इलाज वो चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या इलाज है वो कई, लेकिन उसको कह रहे कि ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही।
बेचारी परेशान थी, तो फिर भाई जी ने एक बार कहा कि मैं कहूँ कुछ काम मानेगी? उसने कहा कि जी बोलो। बोले तू यहाँ पे पोछे लगा। पोछे कैसे लगाऊं, मेरी हालत ऐसी खराब, मैं से बैठा ना जाए, तो पोछे लगाने की बात कर रहे हो? जैसे भी तुमसे होता है करो जरूर। तो पहले उसको स्टैंडिंग पोछा दिया और वो पोछे से स्टैंडिंग पोछे से और जैसे तैसे करके उसने थोड़ा सा लगाया। संतों का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा, युक्ति होती है, टेक्निक होती है बाहर आने की। वो दो चार बार पोछा क्या लगाया, वो पोछा धीरे धीरे वो ऐसा ठीक सा लगने लगा कि आज दर्द थोड़ा कम हो रहा है। दर्द कम हो रहा है तो थोड़ा बैठ के लगा लो। अभी खड़े होके लगा रहे, बैठ के लगाना पोछा अच्छा खासा मुश्किल काम है। चलो आप वो रख लो, वो क्या होता है मूढ़ा सा रख लो, उसके ऊपर बैठ के लगा लो। तो वो ऐसे लगाने लगी, धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा और बात जब सुधरने लगी तो कुछ 15-1 दिन बीते। वो उसके बाद जब उसको लगा कि पेन वेन तो बिल्कुल कम हो गया है, बहुत कम हो गया, फिर जाके वो रिपोर्ट विपोर्ट दे के आकर देखी तो कहे भी सारे मणके के तेरे सारे ठीक हैं। किसकी कृपा से? श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो सेवा की, और सेवा से वो फिजिकली जो भी तकलीफ थी वो दूर हुई। ऐसे हमने कितने ही लोगों को बोला है कि तुम्हारी अगर कोई फिजिकल तकलीफ है या इवन मेंटल भी है या और बाकी कोई समस्या भी घर पे आई हुई है, जाओ और किसी भी जगह पर जहां पे संगत के पैर पड़ते हो तुम अपना सिर वहां टेक दो, कमाल हो जाएगा, करके देख लेना। परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है हमारा, सिर्फ सुधार चाहता है। खास तौर पे किसी भी गुरुद्वारा साहब में जहां पर एंट्री होती है ना, जहां पर वो पैर अपने वो छुआ कर जाते हैं, उस जल को लेके अपने माथे पे सिर छिड़क लेना, हजारों कर्म नष्ट हो जाते हैं वहां पर। ये कृपा है, ये ब्लेसिंग है। जहां पे भी आप झुकोगे ना, प्रकृति कोई दुश्मन थोड़ी है, वो आपसे बस इतना ही चाह रही है कि आओ और थोड़ी सी अपने अहंकार को कम करो, अपने ईगो सेल्फ को थोड़ा डाउन करो। कर्म कट रहे हैं, बाकी गुरु कृपा काट रहे हैं जैसे तैसे करके। हमने देखा है अनेक अनेक तरीकों से देखा है। मेरे पंचम शहनशाह बेंगलोर में विराजमान थे, कुछ बेंगलोर में देखा आपने आश्रम बेंगलोर वाला, किसी ने अगर दर्शन किए होंगे वहां पर, सुंदर सा अच्छा अच्छा छोटा छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन अच्छा आश्रम है, सुंदर। तो वहां पर ना, वहां पर हमने, मैं उस समय वहां प्रेजेंट था गुरु चरणों में, वह मेरी वही जॉब थी तो मैं सेवा करते, 99 की बात है ये। श्री गुरु महाराज जी सुबह के समय श्री आरती के बाद आए तो नीचे देखा कोई जगह ना, पेड़ लगे हुए थे नारियल के, वहां पर 4-5 पेड़ लगे। तो श्री गुरु माई की मौज हुई कि ये पेड़ वेड़ थोड़े हटा के ना, अब ये इसको साफ कर दो, और 4-5 पेड़ लगे इनको साफ कर दो, और यहाँ पर ये जो ड्राइवर वगैरह आते हैं, लोगों की गाड़ियां होती हैं साथ में ड्राइवर, ड्राइवरों को इधर तो घूमते रहते हैं, तो उनको कहीं एक ठिकाना दे दो, यहाँ बैठे रहेंगे अपना आराम कर लेंगे, थोड़ा चाय वाय ले लेंगे, जो भी ऐसा ऐसा सिस्टम बना दो। सबने कहा जी ठीक है, सुबह आदेश हो और शाम तक हो जाना चाहिए, शाम को तक हो जाना चाहिए। सब लगे पूरा दिन, सबने खूब जम के मेहनत करी, सेवा करी, इधर उधर हम भी लगे रहे थे साथ में सेवा कर रहे थे, तो गुरुमाई की कृपा थी, तो पेड़ वेड़ काटने में अंदर जैसे तैसे करके सबने खूब सेवा करी। सारा दिन सेवा करने के बाद वो जब तैयार हो गया वो सारा, और एक छत सी पा दी, छज्जा पा दिया ऊपर वो बिठाने के लिए, और थड़ा सा बना दिया। श्री गुरु महाराज जी शाम की श्री आरती के बाद फिर नीचे कृपा करी और पूछा कि भाई सेवा हो गई है सारी? सबने कहा जी बिल्कुल हो गई है। सबको बुलाया, अब प्रसाद दिए जरूर। प्रसाद देने के लिए प्रसाद का टब मंगाया और देखिए वो टेबल ढूंढे, टेबल ना मिले। मैं उस समय श्री गुरु महाराज के मतलब दूरी पे ऐसे पास में खड़े, मैंने कह रहा कि मैं बहुत पास खड़ा, दूरी पे थे, मन का भाव था कि गुरु महाराज जी, वो मेरी साइकिल कहीं पीछे खड़ी हुई थी, मैंने कहा प्रभु छोड़ी सी यहाँ पे भी कृपा दृष्टि कर लो। महाराज जी ने पता नहीं कैसे करके इस साइकिल की दी खड़े होती है, वो कहीं ना कहीं एक नजर डालनी थी, तो खैर साइकिल को उठा के पीछे कर दिया गया। बात थी नजर पड़ने की बस, कृपा दृष्टि, एक दृष्टि तारे गुरु पूरा। गुरु के पास क्या सामर्थ्य होता है वो हमने अपने शहनशाह की निगाहों से देखा है सबने, उन सुंदर निगाहों का चमत्कार जिसने भी देखा है। संपूर्ण परमात्मा हमारी आंखों के सामने, और इस रूप में क्या दर्शन दे, इससे ज्यादा क्या बताएं। वो परमेश्वर परब्रह्म भगवान खड़े हैं। अच्छा, वहां पर प्रसाद का टब लेके वो बंदा खड़ा और हम लोग पीछे खड़े हुए, सेवादार थे तो सेवादार की तरह श्री कुमार जी यहाँ खड़े, तो पीछे खड़े हुए थे। श्री कुमार जी कहे वो लाओ भाई, वो रखे कि नो, वो टेबल ना मिले कोई। अब लीला उनकी अपनी, टेबल कहाँ से मिले? एक लड़का खड़ा हुआ था,
हम ही में से कोई एक था उसके साथ हमारे साथ सेवा कर रहा था, ए इधर आ, उसको लड़के को बुलाया, उसको ऐसे करके टेढ़ा करके खड़ा कर दिया, ऐसे उसके ऊपर ये रख दिया, टब रख दिया, टेढ़ा करके लड़का खड़ा हुआ है उसकी पीठ के ऊपर टब रख दिया। अब सोचिए करीब करीब वो गुरु महाराज जितनी संगत थी सबको प्रसाद अपने कर कमलों से बांट रहे हैं, तू भी आ, फिर हाल चाल पूछ रहे हैं, तू भी सेवा की थी, अच्छा लै तू ज्यादा कीती है, लै तू ऐसे, तो बड़ी खुशी से मौज से सबको प्रसाद बांटा, लगभग 15 मिनट लगे होंगे। हम सोचे भाई ये लड़का आज की तो इसका आज की तो हालत इसकी इतनी खराब, 15 मिनट आप ऐसे टेढ़े होके कैसे खड़े हो सकते हो, उसकी पीठ के ऊपर वो रखा प्रसाद का, और 2-4 बार वो भरा भी गया दोबारा से, वो फिर रिफिल किया गया, वो दोबारा 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 करीब करीब वो लड़का, उसके बाद जब सबको प्रसाद हो गया तो उसके बाद श्री गुरु महाराज ने कहा हूं तू खड़ा हो भाई। अब वो खड़ा हो तो उसके पूछते हैं कि भाई, बड़ा मुश्किल से उसको सीधा ही ना हुआ जाए, उसको जब सीधा हुआ जैसे तैसे करके और गुरु महाराज जी के चरणों में उसने फिर ऐसे हाथ जोड़े, तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, उसने दर्द से करा रहा था, कृपा है ठीक है। तो गुरु महाराज ने फिर पता क्यों क्यों बनाया तेन अजे, असि क्यों तेन टेढ़ा किया अज पता लगे तेन, स्वामी जी नहीं पता। गुरु महाराज जी प्रेम महात्मे साथ में खड़े थे, महात्मा ने विनती करी कि स्वामी जी, गुरुमाई फरमाते हैं कि गधे का जन्म होना सी तेरा, यह जे भेड़े कर्म किए हुए सी गधे का जन्म होना सी, ये जड़े 15 मिनट किते ने वो 15 साल का गधे का जन्म तेरा खत्म कर दिता है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु शिष्य के बंधन काटे, गुरु का शिष्य विकार ते हाटे, विकारों से हट जाता है, सतगुरु ऐसे बंधन काटते हैं। तो दो बातें यहां पर, कैसे उस सेवक के बंधन काटे पर ऐसे सतगुरु जिसको मिले हों ये तो उनके लिए है, और जिनको ना मिले हों उनका क्या हो। अब आपको सबको तो मिले हैं, धन्य भाग मनाए कि ऐसे कोई गुरु हमारे साथ हैं जो हमारे अंतर में सारे कर्मों का हिसाब किताब जानते हैं। क्या किसको पता है, किसी के मन के अंदर पता नहीं हम कौन कौन सी हरकतें करके बैठे हैं, कौन कौन सी हरकतें करके बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कुछ समय, ये करीब पुरानी बात है, ये किसी ने बताई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जी एक ना उस समय, ये शायद 80s की 1980 या 90 के आसपास की बात होगी, तो भाई जी उस समय कोई सामान जो है घर से भर के जैसे गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो जनरल डब्बे में सफर कर रहे थे। जनरल डब्बे में वैसे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, और उन्होंने एक ट्रंक रखा, पहले ट्रंक चलते थे ना, अब तो टैचियां वैचियां हो जाती हैं, बैग होते हैं, तो ट्रंक था उस समय, और ट्रंक में कुछ 10,000 के करीब कुछ अमाउंट रखी हुई थी, 100-100 के नोट हुआ करते थे तब, 100-100 के नोट जैसे उसमें रखे हुए थे, उसको ऊपर से आगे और सामान सुमन बांध के रखा हुआ, तो जैसे वो सामान उसमें वो रखा हुआ, और वो बैग जो ट्रंक था वो कोने में पड़ा हुआ, मतलब जहां से एंट्री करते हैं दरवाजा ट्रेन में, तो वहां एंट्री के पास ही था। और भाई जी कुछ हुआ होगा, किसी को दाव लगा होगा, किसी को समझ में आ गया होगा, भाई जी बार बार ट्रंक टटोल रहे होंगे, तो देखने वाले जानते हैं वो कैसे करके, वो पैसे जो है 10,000 कुछ थे वो गायब हो गए। जब उसने भाई जी ने उन्होंने देखा, वहां पहुंचे श्री आनंदपुर में, तो बड़े दुखी हुए कि स्वामी जी, और 10,000 उस समय बड़ी बात थी, अब से 30 साल पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जो गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे, स्वामी जी वो 10,000 लेके आई सा, वो जैसे बोलते हैं वो कौन सी मुल्तानी में बोलते ना, कैसे बोलते हैं, 10,000 लेके आई सा होता रस्ते ही, वो सारे गुरु महाराज ले गया होता। मैंने श्री गुरु महाराज फरमाते तू तो ठीक है ना भाई जी, तू तो ठीक है स्वामी जी, आप जी कृपा नाल मैं ठीक हाँ, तू तो ठीक है। उन्हें तेनू मार के छड़ना सीगा, उसने तेनू मार के छड़ना सीगा, ये तो 10,000 ही तेरा कम बन गया। जयकारा बोल गुरु महाराज दा, गुरु महाराज ने समझ जयकारा बुलवाया, और धन तू तेरे धन भाग है, तेरी जान बच गई है, वरना जो हिसाब किताब था वो ऐसा था कि उसने तेरे को मार देना था। ये बात जो 10,000 में निबट गई है ना, शुक्र गुरु मजाना ना हो गुरु महाराज जी का। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो बंधन काटने वाले भगवान की जय, बोलो दुख भंजन भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय। इसी प्रकार बंधन काटते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, बस एक ही चीज चाहिए, सेवक का समर्पण। अब ठीक है, हमारे साथ कोई प्रत्यक्ष लीला हो तो एक अलग बात है, ना हो तो घर पे लीलाएं नहीं हो रही क्या? यहां भी तो बंधन कट रहे हैं। सदगुरु ने जो बंधन काटने का जिम्मा लिया है वो केवल वहां ही थोड़ी है, वो घट घट में बैठे हैं तो हमारे घर में बंधन नहीं कट रहे। कभी ऐसा होता है कि आप गिरे और ऐसा लगता है कि यार कुछ लगना तो कुछ बड़ा सा था लेकिन पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं, ठा करके गिरे और कुछ हुआ ही नहीं। हमारे साथ तो बहुत बार रोके गिर के बच गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज ऐसे ही अपने सेवक की रक्षा करते हैं। कम से कम मैं 25 से 30 बार गिरा हूं, मुझे जितना पता है, बिल्कुल ठा एकदम सीधे। गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं, जैसे जैसे बचा रहे हैं पता भी नहीं चलता। सेवक करते हुए तो फिर पूछो मत, कोई फर्श होता है वहां पर, आप दक्षिणानंदपुर में जाओ तो वहां तो फर्श होता है, तिलक ना होता है और सब्जी वब्जी गिरा दी किसी ने तो गिरना बड़ी कॉमन सी बात है वहां पर। कोई बार तो कपड़े वपड़े बिल्कुल पूरे सब्जी होती थी गिरी हुई कहीं पे, पता नहीं आप कहां निकल रहे हो, किसने क्या वो कर रखा है, पानी गिरा रखा है, जो दो लाइनें होती हैं लाइनों के बीच में जो जगह होती है, जब आप चल रहे हो तो पता नहीं ध्यान जाए ना जाए कर जगह पर, तो वहां पर कई बार ऐसा हो रख हो जाता है। उठाएगा भी कौन? गुरु महाराज उठाने वाले हैं सबके, और कौन उठाएगा? लेकिन है ना, फिर भी रक्षा हो रही है ना, रक्षा हो रही है ना। कैसी कैसी हमने हरकतें होती हुई देखी हैं। ये बंधन कौन काट रहा है? गुरु महाराज जी का सबसे बड़ा कार्य इस सेवक के लिए है बंधन काटना। कैसे इसको मुक्ति दी जाए, कैसे इसे मुक्त किया जाए, कैसे इसके दुख दूर किए जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो है वो ये कर्मों का है, भारी भरकम ये है। इसको मुक्त कराने के लिए गुरु महाराज ये सारा खेल रचते हैं। हमारे जीवन में आने वाला हर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा दुख कर्मों के कारण से है। इसलिए गुरु महाराज जी जो ये लीला चल रही है, जो श्वास श्वास में नाम जपा रहे हैं, जो हमारे मन को शांत कर रहे हैं, जो हमारे से सेवा करवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म बंधन काटने के उपाय हैं। इसलिए प्यार से, एकाग्रता से, भाव से कोशिश करें नाम का जाप और जो आरती पूजा। आरती पूजा के दौरान गुरु महाराज कितने कर्म बंधन काट देते हैं, कहते हैं अगर आप आरती पूजा किसी ने एक बार विनती करी, वो गुरु महाराज जी के आगे उसने प्रार्थना करी कि स्वामी जी, वो ना हर आरती के बाद ना अपनी कोई अरदास गुरु चरणों में लगाता था। आरती फिनिश होती लास्ट में फिर कहता, गुरु महाराज जी ये वाला काम अटका पड़ा है, जरा करवा दो। ऐसे कोई भी काम होता आरती फिनिश होने के बाद जो है गुरु चरणों में कहता। तो गुरु महाराज जी एक बार उन्हें श्री चरणों में गया तो गुरु महाराज से साक्षात ही पूछ लिया उसने कि मैं ना हर आरती के बाद जो है आपको ऐसे ऐसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुनते हो? उसने गुरु महाराज से पूछ रहा जाके, अभी तो नहीं, हिम्मत भी किसी किसी में होती है, गुरु महाराज के सामने डायरेक्ट पूछ रहा है कि ऐसे आप मेरी बात सुनते हो क्या? श्री गुरु महाराज ने फरमाया, जे तू उस टाइम अपनी आरती ढंग नाल कर लेवे तो तेन कुछ कहण की लोड़ नहीं। अगर तेरी आरती में एकाग्रता हो तो तुझे कहने की जरूरत नहीं, हम तेरे दिल की वैसे भी जानते हैं, हमें क्या नहीं पता। ये श्री गुरु महाराज के पावन वचन थे पंचम पाशाही जी के, कि हमारे सामने क्या छुपा हुआ है। तू आरती में चित्त लगा, तू इस बात पे फोकस मत कर कि मेरी कौन सी डिमांड पेंडिंग है, वो हमारा काम है। तू बस आरती चित्त लगा कर, कर दिन लगा कर, कर बस, बाकी सब हमारा काम है। तो बात समझ में आ गई। आरती पूजा इष्ट की करे जो दिल चित्त लगाए, आदि व्याधि व्यापे नहीं सुख में रहे समाये। ये आरती पूजा के बारे में वरदान दिया है गुरु महाराज जी ने, अब प्यार से करो, किसने रोका है? आरती पूजा इष्ट की करे जो चित्त लगाए, आदि व्याधि मतलब आदि दोनों तरह की बीमारियां, सांसारिक बीमारियां मानसिक बीमारियां सारी कवर कर दी, व्यापे नहीं सुख में रहे समाई, आशीर्वाद है। अब इससे ज्यादा परमात्मा गुरु महाराज क्या कहें, अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं सेवक के बंधन काटने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। आपने वो 84 लाख यूनियों वाला मैंने पहले कभी बताया होगा, तो दो छोटी सी बात है, गया गुरु महाराज जी के सामने कोई बंदा और श्री गुरु ने उसको देख के बोले भी, ये जड़ा भगत आया ना, ये कर्म बड़े कड़े ने, बड़े कड़े, किसी के सामने इशारा कर रहे हैं उसको, और बात महात्मा जी से कर रहे हैं, ऐसे करके इशारा कर रहे हैं उसको, कहीं भी लगा कि भाई कुछ भी हो, उसके आवाज तो नहीं सुनाई थी कि गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं, लेकिन डर गया वो, कुछ तो ऐसा कह रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने महात्मा से जाके पूछा कि स्वामी जी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे तेरे कर्म बड़े कह रहे हैं।
तेरे को 84 भोगनी पड़ेगी, उसकी तो हालत खराब होगी। गुरु महाराज क्या करूं, महात्मा जी से पूछा कि मैं क्या बोलूं, गुरु महाराज से प्रार्थना करो 84 काटने वाले भी तो आप हो, करो काटो 84। उस लेट गया वहीं पे गुरु महाराज जी के आगे, स्वामी जी मेरी 84 कटो, स्वामी जी मेरी 84 कटो, स्वामी जी 84 कटो। ठीक है कल आए, तेरी कल 84 कटाए। दयालु भगवान पता नहीं कैसे रीझ जाए, क्या करवा लें। अब सोचिए गुरु चरणों में कोई ऐसे तो नहीं पहुंच गया होगा ना, इतने पुण्य भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास के पीर कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। अगर कोटि जन्म के पुण्य जागे हैं तो वहां तक पहुंचे हैं ना, तो जाहिर सी बात है चाहे इतने बुरे कर्म भी होंगे, मान लो 84 के भी कर्म लिखे होंगे, लेकिन इतने पुण्य भी तो है कि गुरु महाराज जी के प्रत्यक्ष सामने खड़ा है, वो पुण्य तो है। जब इतनी बात है तो फिर गुरु महाराज दयालु है, वो तो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना है उन्होंने, तो आए। और अगले दिन गुरु महाराज ने कुछ इंतजाम कर रखा था, तो अगले दिन आया, कहते हैं लाइन में लग के सामने आ गया। महात्मा ने कहा कि जाके कह दियो, फिर आके अपनी बात की, 84 कट दो, स्वामी जी 84 कटो, स्वामी जी 84 कटो। गुरु महाराज जी खड़े, तो गुरु महाराज ने विराजमान होकर ना ऐसे, वो महात्मा जी वो गोटियां लेके आओ, गोटियां गोटियां बना रखी थी, वो गोटियां ऐसे बिखेर दी सामने, कोई गोटियां सी थी किसी खेप की क्या थी पता नहीं, वो गोटियां क्या थी, वैसे ऐसे डाल दी। और उसको कहा कि ये ऐसे कूद जाए, यहाँ से कूद के ना इसके इस गोटियों के पार निकल जा। वो कूद गया, फिर कहता स्वामी मेरी 84 कटो, सर लिवन ने कटता दी तेरी 84, ये 84 गोटियां थी जो इसके पार करवाया तेरे को, पूरी 84 गोटियां थी, वो 84 गोटियों को पार करा के 84 लाख जूनियर काटने वाले भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये गुरु कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। सेवक का कोई परम कल्याण कर सकता है तो वो सदगुरु है। कैसे छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी बात करके दिखा सकते हैं, ये परमहंस सदगुरु हैं। ये कोई छोटी मोटी, और मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो जो ये जानते नहीं है, या जिनके पास कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कंट्रोलर है इस समय के, सुप्रीम मास्टर हैं, पूरा ब्रह्मांड इनके कंट्रोल में है। यहां आने वाली, इस धरती पर आने वाली हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना उनसे पूछ कर घटित होती है। तो पता होना चाहिए कि वो कौन हस्ती के मालिक है। पूज्य महात्मा जी ने बता रहे थे कि उस दिन श्री सदगुरुदेव भगवान अंदर विराजमान थे, श्री पंचमपाशाह जी की बात कर रहे थे, कहते अंदर देखा तो पहरे वाले महात्मा जी को कह रहे गुरु महाराज जी अंदर ना किसी से बात कर रहे हैं, कोई देवी खड़ी है अंदर से। मैंने झांक के देखा थोड़ी सी झलक, आधा दरवाजा खुला हुआ, तो मैंने कहते अंदर देखा तो ऐसी कोई इतनी बड़ी सी रोशनी चमक रही है, और उसने ऐसे लाल वस्त्र पहने हुए हैं और बड़ा सा मुकुट ऐसे पहने हुए, गुरु महाराज जी के सामने ऐसे खड़ी हुई है वो, और हाथ जोड़ के श्री गुरु महाराज के आगे प्रार्थना कर रही है। वो गुरु महाराज उससे बात करें, नहीं गुरु महाराज उसको ऐसे फरमा रहे, नहीं जब तक असी बैठे हैं ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करना। उनको समझ रहे हैं क्या बात हो रही है, लेकिन ये किसी चीज के बारे में कुछ बात हो रही थी। अब ये कौन थी, ये क्या था, इनको उस समय समझ में नहीं आया। बाद में ये भेद पता चला, क्योंकि अगले दिन महाराष्ट्र में उस जगह पर भूकंप आया 200 किलोमीटर दूर, वहां से मतलब पुणे से 200 किलोमीटर दूर के एरिया में कई जगह पर भूकंप आया। लातूर शायद वहां से दूर था, अच्छे खासी दूरी पर है। वहां पर श्री गुरु महाराज जी वहां पर खड़े होके, वो आदेश, वो थी भूदेवी माता पृथ्वी। माता पृथ्वी स्वयं श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रही है कि भूकंप आना है यहाँ पर। अब ये इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन गुरु महाराज जी फरमा रहे हम विराजमान है यहाँ पर, हमारे होते हुए नहीं होगा, तो यहां से दूर पर करो। अब जो भी था उन्होंने अपना कुदरत का काम है वो करना तो है, नुकसान भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन उस जगह पर उनकी कृपा से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात, कितनी बड़ी रहमत है। ये जो 26/11 हुआ था 2012 में, कब हुआ था जो 26/11 वाला जो हुआ था, ये आतंकी आए थे, ये बॉम्बे में जब ये आतंकी वो हुआ था ताज होटल पे, उस समय भी श्री गुरु महाराज जी वहीं पे विराजमान थे। सब श्री आनंद उसमें श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे, और श्री गुरु महाराज ने उर्ली से मुंबई चलो सुबह से उठे 5 बजे, और दिन में घटना घटी थी मेरे ख्याल से 10-11 बजे की सुबह की बात है ये, और सुबह गुरु महाराज 5 बजे विराजमान होकर चलो मुंबई चलो
मुंबई चलो, कैसे करके मुंबई चलो। महात्मा जी कहे क्या गुरु महाराज इतना वो कर रहे हैं, मतलब इतनी जल्दीबाजी, मुंबई मुंबई चलो मुंबई चलो मुंबई, जैसे तैसे करके उन्हें सामान समूह लादा। तो ढाई घंटे का रास्ता है, सुबह सुबह निकल आए वहां से, 5 बजे कहते वहां से चले, 7:30 के आसपास मुंबई अमरधाम में विराजमान हुए वहां पर। वहां जाते ही लगभग वही जो टाइम था ना उस समय में पानी की लीला चालू कर दी, वो पाइप मंगाया पानी वाला, पानी वाले करते थे ना कई बार लीला, याद होगी आप सभी को, श्री गुरु महाराज जी पानी का पाइप मंगाया और ऐसे महात्मा जी सबके ऊपर ऐसे पानी की वो फुहार मारो ऐसे करके। देखा है कभी वो फुहार, खाई है कभी, खाई है कभी? हाँ, अगर वो उसका झेली है तो आनंद लिया होगा वो, वो हमारी आंखों देखी घटना, मतलब यहाँ वैसे तो हमने कितनी बार देखा, लेकिन वो उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन श्री गुरु महाराज मतलब उस समय में ठीक उसी समय में आतंकी हमला हो रहा है वहां पर, लेकिन सबको गुरु महाराज जी ने सारे अपने गुरुमुखों को सुरक्षित वहां निकाल के रखा हुआ है। ये सब जानते हैं ना अंतर्यामी भगवान से ज्यादा और क्या दिखाएं। और वहां कहते हैं कि किसी उस हमले में हमारे कोई 2-3 लोग थे जो गुरुमुख थे, और कैसे उनको इशारा किया गया, उनको किसी ने इशारा किया, उनको बोला भागो यहां से, जैसे तैसे करके वो कहते बेसमेंट से निकल के पता नहीं कहीं से आए वो, और बाद में उनकी उनको बिल्कुल वो गुरु चरणों में पहुंचे, उस समय चेंबूर में बाद में शाम को पहुंचे कि हमारे गुरु महाराज जी ने वहां पे कैसे निकाला हमें, हम नहीं जानते वहां पे किस तरीके से वो निकल के पहुंचे। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। सतगुरु शिष्य के बंधन काटे, ये गुरु महाराज बंधन काटते हैं, हमारा सेवक किसी भी तरह से दुखी ना हो, राइट। तो हम इन्हीं बातों को लेकर चले थे कि गुरु महाराज बंधन कैसे काटते हैं, गुरु महाराज प्रेम कैसे करना सिखाते हैं, भक्ति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, समझ भी देते हैं। जन्मों जन्मों की यात्रा जो कई जन्मों में पूरी होनी थी, वो एक जन्म में या 2 जन्मों में या 3 जन्मों में पूरी कर पुरा के निपटा देते हैं। सोच के देखिए, इसीलिए सेवकों पर थोड़े कष्ट ज्यादा दिखते हैं उनको, उनको लगता है कि मेरे पर थोड़े ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, लेकिन यही कष्ट अगर आप एक आम इंसान भोगता, हो सकता है अगले 50 जन्मों में भोगना पड़ते उसको, 50 जन्म थोड़े नहीं होते, दुख कितना होगा, कितनी पीड़ा होगी। हर जन्म में आप मान लो 60 साल जियो, थोड़ी बड़ी बात है, कहां वो 60 साल 50 साल का जीवन, और कहां वो 50 जन्म होना, राइट। 300-400 साल आप दुख भोगना, और कहां वो 300-400 साल का दुख जो है ये 20-30 सालों में काट देना, तो फर्क तो है ना। तो थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है, लेकिन वो हमारे ही मोटे बंधन काटे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे आत्मा का कल्याण किया जा सके। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। तो ये 5 नियमों में सारा सार उन्होंने भर रखा है। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। गुरु महाराज सबके लिए ये आदेश, ये 5 नियम सबके लिए बनाए गए हैं परम कल्याण के लिए। तो इसलिए एक बार हम गुरु चरणों में पुनः अपने धन्यवाद भाव भी अर्पण करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। हम कहते हैं, हे गुरु महाराज, जैसे हैं तैसे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरु चरणों में ध्यान लगा के प्रेम से प्रार्थना करेंगे, हे गुरु महाराज, अपना सर झुका के सभी से प्रार्थना है, जो जूम पे जो जुड़े हुए हैं सभी मिलके एक बार प्रार्थना करें। अपने अपने इष्ट के प्रति, अगर आपके गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज एक नहीं है तो भी प्रार्थना जरूर करेंगे, हे मेरे परमहंस गुरुदेव, हम सर झुकाकर हाथ जोड़कर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और हृदय पूर्वक माफी मांगते हैं। प्रभु, हमने पिछले अनेक जन्मों में अनेक अनेक ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज हमें शारीरिक, मानसिक, दैविक और आध्यात्मिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। हे गुरु महाराज, अपने हर कर्म के लिए हम माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। प्रभु, हमारी हर गलती के लिए हमें माफ करो, मन वचन कर्म से इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में हमसे जो गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। गुरु महाराज, हमारी हर गलती के लिए क्षमा करो, हमारी हर गलती के लिए क्षमा करो। कान पकड़कर सर झुकाकर आपके श्री चरणों में हम माफी मांगते हैं। हे प्रभु, कोट अपराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन पैज रखाओ, मैं अपराधी जीव हूं, नक्षिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। मैं अपराधी जीव हूं, नक्षिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। मैं अपराधी जीव हूं, नक्षिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। है अभिलाषा ये मेरी है, साथ साथ बोलेंगे, है अभिलाषा ये मेरी, है अभिलाषा ये मेरी, बख्शो भक्ति का दान, सेवा सुमिरन करते करते निकल जाएं मेरे प्राण, सेवा सुमिरन करते करते निकल जाएं मेरे प्राण। जब से तेरी शरण गही पाया सुख अपार, जब से तेरी शरण गही पाया सुख अपार, दास की यही बेनती मेरी निभ जाए श्री चरणार, दास की यही बेनती मेरी निभ जाए श्री चरणार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान